हम लोग जैसा कि आपने देखा शिमला पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से ऊपर चढ़ रहे हैं जहाँ पे हमने गाड़ी की है ना गाड़ी, क्योंकि नीचे तक नहीं जाती है, नीचे जगह नहीं है वहाँ पे, है नहीं मतलब इतना स्पेस, तो गाड़ियाँ ऊपर खड़ी होती हैं, आपका पार्किंग बनी पड़ी है। तो हम लोग जा रहे हैं पार्किंग के लिए, और भाई यहाँ की जो उतराइयाँ चढ़ाई है ना, और मैं हंस रही थी, मैं कहा फ्री वाईफाई था बैठ के ना वो कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। और ये देखो ऊपर से ना रेलवे स्टेशन का व्यू इस तरह का है, नीचे का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ियों पे ये पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, और हमें मिल गई है गाड़ी ऊपर, गाड़ी कर ली हमने, तो गाड़ी खैर पहले ही कर ली थी, पहले एडवांस में कर ली थी। तो अब जा रहे हैं हम ऊपर आपका रिज और माल रोड घूमने, लेकिन शिमला में आप जाओ और ट्रैफिक ना हो तो बड़ा मुश्किल है। ट्रैफिक में फंसे हुए थे हम लोग खड़े थे, और सामने देखो बंदर जी यहाँ पे, मतलब इनके दर्शन हो जाए ना तो धन्य इंसान, आपको मतलब पग पग भी इनके दर्शन करने को मिलेंगे। और इस तरह से ना मौसम ऐसा हो रहा था, आपको पहले भी मैंने दिखाया था कल वाले में भी, फॉग ही फॉग थी ना सामने का, दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना ट्रैफिक होता ना, थोड़ी सी दूरी में जाने में भी ना, यहाँ पे आपको ऊपर तक जाने में हमें शायद मे भी आधा घंटा लग गया था, क्योंकि जगह जगह पे वही ट्रैफिक जाम, आपका सिंगल रोड है ना, सिंगल रोड की वजह से। और इस टाइम गर्मियों के दिन है, आपको पता ही है यहाँ पे वो भी टूरिस्ट भी काफी होता है। तो ये देखो सामने का व्यू ना बहुत अच्छा था, बस गाड़ी से ये भी ओनी आप इतना कैप्चर नहीं कर पाते थे क्योंकि मैं पीछे बैठी थी। और ये देखो बस हम ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे शायद आर्मी एरिया है, तो मैंने आगे जाके ना कैप्चर करना बंद कर दिया था, क्योंकि आर्मी एरिया में आपको पता है अलाउड नहीं है। मेरे बंदे के हाथ खड़े है। गुजरात वाले थक चुके हैं चार कदम चल के, लगता फिर से बोलना, गुजरात वालों की सांस चढ़ गई है अभी तो, अभी तो बहुत है आगे, अभी देखते हैं इनको क्या होता है इनका। ये पहले नहीं होता था बैठने के लिए ना, ये अब भी बने बैठने के लिए, और टच वुड सही हो गया बैठने के लिए जो बना दिया है। और ये है आपका, ये देखिए ऐसे वो जो सामने है वहाँ पे पुलिस का जो बोर्ड लगा हुआ, इसके आगे गाड़ियाँ कोई भी नहीं आती, बस यही तक पीछे तक गाड़ियाँ आती हैं। ये भी आपका, ये देखो फायर वालों की है या पुलिस वालों की या फिर आपका मेडिकल वालों की, हाँ ये माल रोड है आपका, माल रोड अभी आगे होटल में ये रूम पर जाके जब पुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों के जमाने के जेलर। थक चुके थे और आप बैठे हैं कॉफी पीने, क्योंकि चाय में पीती नहीं। बढ़िया ठीक है कॉफी, मतलब ये इंडियन कॉफी हाउस जो है वो पास कर दिया आपने, गुजरात वाले ने इंडियन कॉफी हाउस को पास कर दिया ये दो कोल्ड कॉफी, ये देखिए ये भी कोल्ड कॉफी, और दो हॉट लोगों, हॉट लोगों के लिए हॉट कॉफी, हॉट लोगों के लिए हॉट कॉफी। बस कॉफी पी के, और 6 बज चुके थे, बस 6:30 का टाइम था, और हम निकल चुके हैं अब रिज मैदान की तरफ। और देखो आगे हम जैसे ही आगे गए ना, और मतलब हमारा जो स्वागत है ना रिज मैदान की तरफ इन मंकीज ने किया, और इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे ना, आपको आवाजें आ रही होंगी ना इनकी, ये देखो जरा पूरी तरह लड़ रहे थे, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग चल रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं था, ये डरते नहीं बिल्कुल नहीं भाई, डराने वाले यार, इनसे डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो जब जिस टाइम मैं यहाँ पे एमए कर रही थी, मैं माल रोड पे ना टाइप सीखने आती थी, तो एक वो हो चुकी है, वारदात हो चुकी है, थक चुके हैं है। और ये बोल रहे हैं और कितने की चढ़ाई, वो पसीना पसीना हो रहे हैं, हाँ देखो पसीना कैसे पोंछ रहे हैं, पोंछिए पसीना अपना, पसीना पोंछ रहे हैं। और पहुंच चुके हैं हम रिज मैदान पे, मतलब ऊपर जो हिमाचल उसका आपका सॉरी हिमाचल की जो अपना पहाड़ों की रानी है ना, इसका मेन जो अट्रैक्शन है ना ये रिज मैदान ही है। कोई शिमला आए और रिज मैदान पे ना आए ना, यहाँ पे अगर आप अकेले भी हो ना, अकेले भी घूमते रहो ना, तो एक बहुत सुकून सा है और बहुत अच्छा मतलब फील आता है यहाँ पे। और यहाँ पे बस यही चीज जो मेन जो है ना, वैसे लोअर बाजार है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको लोअर बाजार में जब उतरेंगे नीचे, लेकिन यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है ना शिमला का, ये आपका रिज मैदान है। आज देखो फॉग कितना है, बहुत बुरी तरह फॉग हो रहा था, अभी 6 बजे है, कोई रात नहीं हुई है, अंधेरा नहीं हुआ है क्योंकि, पर लेकिन बरसातें हैं, बरसात करके ना फॉग हो रहा था, हमें नीचे का व्यू नहीं दिख रहा है कुछ भी, क्योंकि पूरी तरफ धुंध ही धुंध है। तो फिर आपको पता ही, जैसे सुबह का खाया हो था हमने, वैसे तो गाड़ी में हम लोग खा के आए हैं, गाड़ी में हमने बीच में वो भी किया था, आपका लंच भी किया था, ये नहीं हम लेके आए थे,
तो ये खा रही है रेचल आपका पहाड़ों की जो मेन डिश होती है। ने ना एचपीएमसी वालों के यहाँ पे रेचल ने लिए सिड्डू, उसने कहा मैंने सिड्डू खाने हैं, क्योंकि हम जब चायल से आए थे ना तो इसको भी बहुत टेस्टी लगे थे। सिड्डू लिए रेचल ने और हमने कुछ मोमोज लिए वो खाए। और यहाँ की सबसे जो स्पेशल वो है ना, यहाँ पे चाहे सर्दियाँ हैं बरसात या बर्फ पड़ रही हो, आइसक्रीम इनकी ना बहुत फेमस है। यहाँ पे आइसक्रीम बहुत लेते हैं। और देखो इस टाइम ना एकदम से फॉग हो गई थी, और ये है आपका जो यहाँ का नज़ारा है ना, वो सामने चर्च है मेन यहाँ का, वो है ये फाउंटेन वगैरह ना जो अब सामने बने हैं, ये पहले नहीं थे रिज पे, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। और अचानक जैसे हम आगे गए ना तो हमें ना वो देखो ऊपर, जय हनुमान जी जय हनुमान जी। अभी फॉग है पर पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको आगे आगे दिखे थे। ये आपका जाखू टेम्पल जाएंगे कल, आपको आगे देखने को मिलेगा, हम वो भी जाएंगे। और ये देखो एकदम से थोड़ी देर बाद ये देखो आपको जैसे लाइट्स भी होगी थी और धुंध छटी है तो वो क्लियर दिखने हो गए थे। तो जय हनुमान जी, बैठ के दर्शन कर लो घर में। और बस हम लोग मतलब रुके तो 1-2 घंटा रुके हैं, फोटो वोटो खिंचवाई है हमने यहाँ पे, बल्कि मैंने कमल ने ना वो भी किया आपका जो पहाड़ी ड्रेस में ना वो चीजें भी की, मैं दिखाऊंगी आपको वो चीजें। फिर हम निकल आए नीचे माल रोड पे, वो सामने आपका गेटी थिएटर वगैरह है, ये माल रोड का ये नजारा है। शॉपिंग की है हमने, पर शॉपिंग का आगे मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत थक चुके थे, बहुत थक चुके थे। कमल के लिए भी देखो इनको उतराई चढ़ाई की आदत नहीं है, लेकिन बहुत चली है कमल, बहुत चली है। टच वुड में अगर कहते सल्यूट है इसको, इतनी उतराई चढ़ाइयां चढ़ी ना हम लोगों ने, और कमल ने पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया है। लेकिन बहुत मतलब अच्छा लगता है, फिर हम साथ में थे ना, बस वही है हंसी मजाक करते हुए, हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। और ये आपका सारा ना घूम फिर के, और खाना ना हम जहाँ हमने वो किया आपका गेस्ट हाउस किया है, हम वही लेके जाएंगे खाना, यहाँ नहीं बैठ के खाया हमने क्योंकि बहुत थक चुके थे। और बस वापस जा रहे हैं, आपको जैसे बताया था टैक्सी की भी हमने 2 दिन के लिए, तो रात पड़ चुकी है क्योंकि 9:30 का टाइम हो गया था। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और जो हमने गेस्ट हाउस किया था आपका जो रेस्ट हाउस है मतलब उनका ना पीडब्ल्यू वालों का, वो तारा देवी में है, तारा देवी के पास है। तो खैर हमें नहीं पता कहाँ पे नहीं, हम लोग जा रहे हैं वहां पे, वो कहाँ पे है वो आगे देखने को ही पता लगेगा कि, लेकिन इनको टैक्सी वालों को पता होता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। बस हम वापस जा रहे हैं आपका गेस्ट हाउस के, बहुत थक चुके थे क्योंकि सारा दिन ट्रेन में तो खैर थकान नहीं हुई है, हंसते खेलते उसमें तो ऐसे लगता है जैसे आप लोग घर में बैठे हो, लेकिन शिमला में पता ही आपको उतराइयां चढ़ाइयां है, तो जो भी शिमला आए ना ये सोच के आए या तो कोई गाड़ी कर ले क्योंकि जो नहीं चल सकता ना। और पहाड़ों की रानी शिमला का ना रात का व्यू देखो, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर व्यू था। ये मेरे ख्याल काफी पीछे है जहां पे हम लोगों ने जाना ना, चंडीगढ़ रोड पे जो तारा देवी वो पीछे हटके है, और मतलब पता लगा है भी जो आपका हमारा रेस्ट हाउस है वो भी काफी अंदर जाके है पहाड़ों में। लेकिन हमने ना शिमला में प्रॉपर नहीं लिया था, हमने बोला था हमने नेचर के बीच में लेना कहीं पे, तो बस हम वहीं पे जा रहे हैं। और लो आनंद पहाड़ों की रानी के देखो नजारे रात के, बहुत सुंदर लगता है, मतलब दिन से ज्यादा ना यहाँ पे जो लाइट्स चमकती है ना ऐसा लगता है जुगनू चमक रहे हैं, और आसमान में ना तारे चमक रहे हो, इस तरह से यहाँ का व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको लोगों के लिए कैप्चर किया है, आप भी देखिए कितना सुंदर लगता है। ये देखो इस तरह लगता है जैसे तारे ना टिमटिमा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे मतलब आपका आसमान है और ये दिख रहे बल्ब जल रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया नेक्स्ट लगता है। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह फिर से आपका स्वागत, आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और होगी हमारे आज के दिन की शुरुआत, जैसे कि आपने पिछले उसमें देखा मेरे, हम लोग आए हैं शिमला, और शिमला हम पूरी रात मतलब पूरा कल पहुंचे थे, हम ट्रेन में आए थे जैसे कि देखा है आपने, शिमला घूम के माल रोड पे घूमे, खैर बाकी तो नहीं कहीं घूम पाए हैं क्योंकि चलने की थोड़ी सी हमें तो नहीं, खैर वो मेरी फ्रेंड थी थोड़ा होता ही है चलने चुलने का, तो बाकी तो कहीं गए ही नहीं है, पर वहीं हम 2-3-4 घंटे लग ही जाते हैं आपका रिज पे माल पे, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है। तो हमने रेस्ट हाउस बुक करवाया था इसका आपका तारा देवी में हमारा, हम वहाँ पे ठहरे हुए रात को, वहाँ आ गए थे हम, आए वहाँ से 9 बजे निकले शिमला से, और वही 9:30 पहुँच गए थे यहाँ पे, क्योंकि तारा देवी जो रेस्ट हाउस है वो एक तो जंगल में आकर, जैसे पता रेस्ट हाउस जंगल में होते हैं तो बहुत पीछे था वो, पर अच्छी वो है तब अच्छा है, हमें अच्छा मिल गया। मैं दिखाती हूँ आपको भाई कैसी लोकेशन है, कैसा है यहाँ का, है तो जंगल में आके बिल्कुल जंगल में है, पर चलो हम जंगल ही है सारा। जंगल ही है,
रेस्ट हाउस ऐसे ही होते हैं, पीडब्ल्यू वाला का रेस्ट हाउस है नेचुरली जंगल में ही होगा। तो चलो बस अब वो पी लेते हैं, चाय चू पी रहे हैं, फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसा रहता है कैसा नहीं रहता आगे का, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं है। वैसे तो हम लोगों का संकट मोचन का और आपका जाखू का बन रहा है, मतलब गाड़ी की हमने कल भी गाड़ी कर ली थी क्योंकि सामान भी था, तो जो हमने रेस्ट हाउस किया था वो पीछे बहुत था, फिर सामान यहाँ नहीं छोड़ सकते, पहले यहाँ छोड़ते फिर वहां निकलते, फिर हम सीधे ना क्योंकि ट्रेन से आए हैं तो सीधे वहीं उतर गए थे, तो बस वो गाड़ी कर ली थी। जब ऊपर भी घूमे तो गाड़ी में था सामान हमारा, और आज भी गाड़ी वाले को बुला लिया है, फिर देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। क्योंकि पता क्या, हमारा पहले जैसे नालदेरा है आपका, ऊपर का नारकंडा का कोफरी, ये चीजें बन रही थी, पर लेकिन जो हमने वो था ना गाड़ी वाले थे उन्होंने भी ये चीज समझाई भी वहां पे बर्फ में जाके फायदा है, वैसे कुछ नहीं है। बाकी फिर जो फ्रेंड है मेरे उनको लिए ना चलने की दिक्कत, वो पहाड़ी पहाड़ी आपको पता है सारे ट्रैकिंग ही जा नहीं पाओगे। तो चलो बताती हूँ मैं आपको आगे का कैसा रहता कैसा तो रहता। जी हम लोग जैसे कि आपने देखा था, मैंने बताया था सवेरे हम यहाँ पे ठहरे थे, मैं दिखाती हूँ आपको कमरे का भी कैसा कमरा था, बहुत अच्छी वो था, बहुत अच्छा मिला था, तो दिखाती हूँ आपको। देखो हम जा रहे हैं वापस, बस होगी हमारी पैकिंग और जहां जाएंगे आगे वो तो आपको दिखाती जाऊंगी, और हम निकल रहे हैं यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है। ये देखो मतलब हम चार लोग थे, इस तरह से बैठे, बहुत साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया था। ये देखिए आप इस तरह से था ये एंट्री आपकी, बस यहाँ से एंट्री है, और मतलब तो ठीक था सब कुछ बढ़िया। ये है यहाँ आपके, आपको ठीक है ये वॉशरूम, और ये था रूम इस तरह से ना, बढ़िया था, मतलब सब कुछ ठीक था, मतलब बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छी थी बाहर की, यहाँ से जो बाहर का व्यू था ना वो ऑसम, बस ये चीजें ठीक थी तो नहीं दुखता कुछ भी। तो चलो चार लोग थे तो हमने एक गद्दा मंगवा लिया था और साथ में हो गया था, तो चलो चलते हैं, मिलती हूँ आपको आगे। ठीक है फिर मिलते हैं आपको आगे, निकल रहे हैं हम लोग, वो पहले चले गए हैं रेचल और वो, मैं रंशुल सामान लेके जा रहे। ये देखो इस तरह था आपका रूम का व्यू अंदर का, बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छी। ये देखो बाहर का व्यू ना, बहुत सुंदर व्यू था, और हम यही लोग यही चाहते थे, हम शिमला जा रहे हैं तो नेचर के बीच में रहें कहीं, इसलिए हमने ना प्रॉपर शिमला में नहीं लिया, थोड़ा नेचर के बीच में लिया, और इस तरह था। और ये देखो ये सारा मतलब जो अंदर का व्यू था ना वो इस तरह से था, बहुत अच्छा था, यहाँ पे बिल्कुल एकदम शांति थी और बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा। और बाहर का देखो आप, बाहर का देखे ना, पर लेकिन आज भी मतलब मौसम का वही था, ऐसा लग रहा था जब बारिश अभी आई, फॉग थी बिल्कुल बाहर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा देखने में ना। और ये देखो बाहर का व्यू उस तरह से था, बहुत सुंदर था। लेकिन हम लोग जैसे रात को, आपको पता है भी, हम लोग 9:30 पहुंचे यहाँ पे, आके 9 बजे चले थे वहां पे, काफी दूर था ये। और ये सारा मतलब सराउंडिंग का व्यू उस तरह से था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो बाय बाय।